अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइवर के वार्निंग सिस्टम के अबाउट और फाइवर के ऊपर आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि फाइवर ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टेट की हुई हैं जो कि आपको नहीं करनी फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर, अदरवाइज आपका जो फाइवर अकाउंट है वो परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें, फाइवर का सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको जो पेमेंट है, पेमेंट का सिस्टम आपको रिसीव करनी है वो फाइवर के ऊपर ही करनी है। अगर आप किसी बायर को कहते हैं कि मुझे आप पेमेंट मेरी पर्सनल अकाउंट में भेज दें फाइवर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने की बजाय, तो आपका अकाउंट फाइवर डिलीट कर देगा परमानेंटली। तो आपको मेक श्योर आपको ये नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी है, वहाँ पे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी बिल्कुल भी, और अपने बायर के साथ बिल्कुल पोलाइट और अच्छे तरीके से बात करनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, फाइवर ने जो बताया हुआ है कि अगर आपका जो बिहेवियर है वो सस्पिशियस लगा उन्हें, तो उनकी कस्टमर सपोर्ट आपको बताएगी कि ये सारी चीज़ें जो हैं सस्पिशियस हैं, आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें, आपसे आईडी कार्ड या बाकी सारी चीज़ें मांगी जा सकती हैं जो कि आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, लेकिन फाइवर की कस्टमर सपोर्ट को, राइट। और उसके ऊपर यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, आपने किसी भी बायर के साथ अपने पर्सनल पासवर्ड्स, अपने SSN या आईडी कार्ड नंबर या आईडी कार्ड या कोई भी क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी, फाइवर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो कोई स्कैमर भी हो सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। और इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आपने किसी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना जो कि फाइवर के ऊपर आपको सस्पिशियस लगे, आपको नहीं पता लगे, अदरवाइज आपका जो लैपटॉप है वो हैक भी हो सकता है। तो आपने लिंक्स को बड़े मोहतात तरीके से और अच्छे तरीके से देख के ओपन करना है और यूज़ करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अनवेलकम फील अनकम्फर्ट है, इफ़ यू डू नॉट रिसीव सच मैसेजेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डू नॉट एंगेज इन टाइप ऑफ ऑनलाइन कन्वर्सेशन, राइट। तो यहाँ पे फाइवर मेंशन कर रहा है कि आपने कुछ इस तरह की लाइक किसी के साथ कोई पर्सनल कम्युनिकेशन फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं करनी और किसी तरह की हरेसमेंट वगैरह नहीं करनी। तो आप जस्ट वहाँ पे बिजनेस पर्पज के लिए, तो आपने बिजनेस पर्पज के रेलिवेंट ही बात करनी है अपने क्लाइंट से। उसके बाद यहाँ पे फाइवर कह रहे हैं कि आप एनी डेस्क, टीम वीवर और इस तरह के थर्ड पार्टी टूल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते फाइवर के ऊपर, अदरवाइज फाइवर आपको बैन कर देगा। ऑपरेशन डेट में कास्ट डैमेज इंक्लूड डाउनलोडिंग अनफेमिलियर फाइल और ओपनिंग द अनट्रस्टेड वेबसाइट। आपका बायर कोई भी आपको लिंक भेज रहा है, कोई फाइल भेज रहा है, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो फाइल वायरस फ्री है और कम्प्लीटली सही है। तो अदरवाइज अगर वो फाइल आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपका लैपटॉप हैक भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अगर आपको कुछ इस तरह का बायर मिले तो आपने उसको क्या करना है, इस तरह से रिपोर्ट करना है। हर मैसेज के साथ ये ऑप्शन आता है रिपोर्ट कर स्पैम का, आपने उसको रिपोर्ट करना है फाइवर को, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने नहीं करनी फाइवर के ऊपर। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फाइवर आपको परमानेंटली बैन कर देगा। फाइवर टोटली आपको तीन वार्निंग्स देता है। पहली वार्निंग कोई भी आपने इशू किया है तो पहली वार्निंग आपको आ जाएगी, उसके बाद आपके पास दो वार्निंग्स रह जाएंगी। अगर अगेन आपने वो काम किया तो अगेन आपको वार्निंग मिलेगी फाइवर की तरफ से, और देन अगेन आपने वही सेम या कोई और इशू किया फाइवर की पॉलिसीज की वायलेशन की, तो फाइवर आपका अकाउंट कम्प्लीटली डिसेबल कर देगा और डिलीट कर देगा। और कई बार आपको ये वाली सारी चीज़ें, ये वार्निंग्स भी नहीं मिलती और फर्स्ट वार्निंग के अंदर ही आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना। और मेक श्योर, आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग अपने आप कुछ जो इस तरह की सर्विस है जो फाइवर अलाउ नहीं करता, लेट्स सपोज क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग्स वगैरह, फाइवर के ऊपर आप इस तरह की कोई सर्विस नहीं कर लगा सकते। इसी तरह एकेडमिक जो है राइटिंग की सर्विसेज आप फाइवर पे नहीं लगा सकते, तो इस तरह के गिग्स आप फाइवर पे नहीं लगा सकते और वो आपको नहीं लगाने चाहिए। तो अगर आप लगाते हैं तो फाइवर का अकाउंट डिलीट भी कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ें आपको फाइवर के ऊपर करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। अगर आपको समझ आ चुकी है तो ठीक है, अगर कोई भी इशू है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।